आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा में लोगों ने किया प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जलभराव से परेशान जनता ने खोला मोर्चा। जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद नहीं निकला समाधान, नाला निर्माण की मांग नहीं हुई पूरी। आक्रोशित लोगों ने पोस्टर चस्पा किए, वोट बहिष्कार और पलायन के लगाए गए पोस्टर। आगरा में लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़ी खबर सामने आ रही है, जल भराव से परेशान जनता ने खोला मोर्चा। जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद नहीं निकला समाधान, नाला निर्माण की मांग नहीं हुई पूरी। आक्रोशित लोगों ने पोस्टर चस्पा किए, वोट बहिष्कार और पलायन के लगाए गए पोस्टर। आगरा में लोगों ने किया प्रदर्शन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां जलभराव से परेशान है जनता, जनता ने खोला मोर्चा। जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद नहीं निकला समाधान, नाला निर्माण की मांग नहीं हुई पूरी। आक्रोशित लोगों ने पोस्टर चस्पा किए, वोट बहिष्कार और पलायन के लगाए गए पोस्टर। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा में लोगों ने किया प्रदर्शन। गंदे पानी से परेशान होकर लोगों ने मोर्चा खोला है। जल भराव से परेशान नजर आ रही है जनता। और इस खबर पे मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह धनौली की जो जनता है, पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ ग्रामीणों के द्वारा लगातार ये जिलाधिकारी को भी और जो क्षेत्रीय विधायिका है उनको भी ये सूचित किया गया और यहाँ धरने भी दिए गए 3 महीने से, और यहाँ भूमिगत समाधि भी ली गई। बावजूद उसके अब तक जो जनता का जो समस्या का जो समाधान है अब तक नहीं हुआ। इसको लेकर ही आज ही वहाँ की ग्रामीण जो जनता है उन्होंने अपने 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 दरवाजों पर एक पोस्टर चप्पा कर दिए हैं पलायन के, कि जब हमारे यहाँ का कोई विकास नहीं है तो हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जी, तो इस पे अभी कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया ममता? बिल्कुल, अभी फिलहाल अब तक कोई भी क्षेत्रीय कोई ना अधिकारी पहुंचा है, ना क्षेत्रीय कोई भी राजनीतिक जैसे नेता कोई भी अभी फिलहाल वहां पहुंचा नहीं है। अब लगातार जनता के द्वारा काफी प्रदर्शन भी किए गए। पिछली बार जब भूमिगत समाधि ली गई थी जो समाज सेविका सावित्री चाहर के द्वारा, तो उनको जो जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा मीटिंग करने के बाद में उनको आश्वस्त किया गया था कि 20 दिन में हम इसका कार्य को करा देंगे और 10 दिन में इसका टेंडर उठ जाएगा। तो इसी तरह से अभी कुछ पिछले 2-3-4 दिन पहले यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय का घेराव भी किया गया था। बावजूद उसके अब तक कोई भी उनकी जो जनता है उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। लखीमपुर खीरी में दबंगों की दबंगई आई सामने, पटाखा व्यापारी की दुकान में घुसकर गोली मारी गई। गोली लगने से घायल हुआ व्यापारी। दिवाली में पटाखे को लेकर हुआ था विवाद। देवकली रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में दबंगों की दबंगई आई सामने। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। धीरज, क्या वजह रही दबंगई की? जी बिल्कुल, बता दें लखीमपुर खीरी के देवकली रोड का मामला है, जहाँ पर सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर कुछ दिन पहले दीपावली के इन दोनों का विवाद हुआ था। विवाद इतना भर गया, किसी ने जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। वहीं कल किसी भी तरह दुकान पर अकेला पाकर अपराधी ने मौका पाकर देसी तमंचे से जो फायर की है, फायर उसके पेट में लगी, उसका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चला। पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। जी, तो उस व्यक्ति को क्या ढूंढ निकाला गया कि अभी भी पुलिस तलाश कर रही है? और उस व्यक्ति की जो घायल व्यक्ति, उसकी हालत कैसी है इस वक्त?
हालत देखिए, डॉक्टरों से बात हुई है, डॉक्टर ने हालत की नाजुक बताई है, और अगर हम बात करें पुलिस की, पुलिस का कहना है कि हम जो आरोपी है उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है अपराधी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, काले गुब्बारे उड़ाकर जताया विरोध, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की उठाई मांग। लखनऊ में कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन, तस्वीरें देख सकते हैं आप, गुब्बारे उड़ाकर किया विरोध प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर किया गया प्रदर्शन, काले गुब्बारे उड़ाकर जताया विरोध, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की उठाई गई मांग। लखनऊ में कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा के बाहर किया गया प्रदर्शन, काले गुब्बारे उड़ाकर जताया विरोध, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की उठाई मांग। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर किया गया प्रदर्शन, काले गुब्बारे उड़ाकर जताया विरोध, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की उठाई जा रही मांग। अलग अलग जिलों से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, लगातार अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे इससे? देखिए शिखा जी, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी हंगामे की भेंट और विरोध की भेंट ये सत्र जो है वो चढ़ा है जी। आज बजट को लेकर चर्चा होनी थी, विपक्षी दल चर्चा करने वाले थे, लेकिन उसके पहले आज सुबेरे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू और नेता विधानमंडल दल हैं आराधना मिश्रा, उनके साथ दीपक सिंह एमएलसी, ये लोग एक गाड़ी से विधानसभा के सामने पहुंचे और उस गाड़ी में इन लोगों ने काले गुब्बारे भरे हुए थे जी। और जिसको ये लोग गाड़ी से निकाल करके हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गुब्बारों को उड़ाया भी गया है और फिर पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए इन लोगों को रोका है। इन लोगों का कहना ये है कि अजय मिश्रा टेनी की जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार चलता रहेगा और इसी वजह से ये आज जो हुआ है ये गुब्बारे उड़ाने का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से इसी वजह से किया गया है जी। नितिन, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन कार्यवाही के दौरान बाधित करना ये कितना सही है? ये नहीं हुआ है क्योंकि विधानसभा के अंदर का मामला नहीं है, ये विधानसभा के गेट पर जो सड़क है वहां पर ये प्रदर्शन किया गया है और विरोध प्रदर्शन विधानसभा सत्र के दौरान आम बात है। किसी भी राज्य में जब विधानसभा सत्र चलता है या सत्र की कार्रवाई होती है तो विपक्षी दल वॉकआउट भी करते हैं, विरोध भी करते हैं जी। और ये सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, तो ये आम बात है। लेकिन हाँ, ये है कि विरोध जताना अपनी एक जो बोला जाता है कि लोकतंत्र का हिस्सा है और विपक्ष अगर विरोध नहीं जताएगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी सरकार भी उस पर जो सब जवाब तलब है या सवाल है वो भी नहीं समझ पाएगी, तो विरोध जताना बहुत जरूरी है विपक्षी दलों का और वही किया गया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।